अगरबत्ती एंड धूपबत्ती फ्रॉम फ्लावर वेस्ट। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ प्रत्येक रीति रिवाज पर अगरबत्ती, हवन कप तथा धूपबत्ती का बहुतायत से उपयोग होता है। घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी काफी मांग है। आज आईडी आपको इसी व्यवसाय के बारे में बताने वाला है कि आप किस तरह धार्मिक स्थलों में, शादी ब्याह में, फंक्शन या किसी समारोह में उपयोग होने के बाद मुरझाए फूलों को रिसाइकिल करके इन्हें हवन कप, धूपबत्ती या अगरबत्ती आदि में परिवर्तित करके एक अनोखा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। यह व्यवसाय एक लाभकारी उपक्रम के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं इस व्यवसाय को किन मशीन्स के साथ आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुगंध आनंद, आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आईआईडी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार लगा हुआ है और आज भी आईआईडी आपके लिए लेकर आया है नया बिजनेस आइडिया। हर बार आईआईडी आपके लिए इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेकर आता है और आज हम यहाँ पे मौजूद है दिल्ली के मंडोली इलाके में, जहाँ पर एक इनोवेटिव बिजनेस के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि वो इनोवेटिव बिजनेस क्या है। मशीन्स। बात अगर मशीन्स की करें तो फूलों का पाउडर बनाने के लिए पल्वराइजर मशीन और पेस्ट तैयार करने के लिए मिक्सर मशीन की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं, जैसे अगरबत्ती के लिए अगरबत्ती मेकिंग मशीन, धूपबत्ती के लिए धूपबत्ती मेकिंग मशीन और हवन कप के लिए हवन कप मेकिंग मशीन की आपको आवश्यकता होगी। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एरिया। तो यह एक गृह उद्योग है जिसे कम एरिया के साथ भी शुरू किया जा सकता है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, स्केल पर यह व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करेगा। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर फ्लावर्स, राउंडेड बैम्बू स्टिक्स, परफ्यूम सॉल्यूशन मेड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम्स और एसेंशियल ऑयल्स की आवश्यकता होगी। पैकिंग मटेरियल में आपको पीपी, धागा, कार्टन आदि की आवश्यकता होगी। मेरा नाम सुरभि बंसल है, मैं को-फाउंडर हूँ रिसाइकल आस्था में। हम लोगों ने काम शुरू किया है अगरबत्ती धूप स्टिक्स बनाने का, जो हम बनाते हैं मंदिरों के फूलों से। हम लोग मंदिरों के फूल को, होली वेस्ट को इकट्ठा करके उससे हम लोग अगरबत्ती, धूप और ये हवन कप्स, इंसेंस स्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो 100% नेचुरल है। हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी तरीके का चारकोल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें स्पेशली एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक अगरबत्ती बनती है। प्रोसेस। बात अगर प्रोसेस की करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले धार्मिक स्थलों से फूलों को कलेक्ट करना होगा और फिर फूलों को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करना होगा। अब इन फूलों को धूप में सुखाना होगा। इन सूखे हुए फूलों को पल्वराइजर मशीन की मदद से ड्राइड पाउडर बना लिया जाता है और फिर मिक्सर मशीन की मदद से पल्वराइज्ड फ्लावर पाउडर और वाटर का पेस्ट बनाया जाता है। अब इस पेस्ट को अगरबत्ती मेकिंग मशीन में राउंडेड बैम्बू स्टिक्स के साथ डाला जाता है और फिर इस प्रक्रिया के बाद आपकी अगरबत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर बात की जाए धूपबत्ती की, तो आप फूलों से बने इस पेस्ट को धूपबत्ती मेकिंग मशीन की मदद से धूपबत्ती भी बना सकते हैं और इसी तरह से आप हवन कप मेकिंग मशीन की मदद से हवन कप बना सकते हैं। पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए अच्छे से सुखाना भी होता है। विभिन्न धूपबत्ती, अगरबत्ती जैसे प्रोडक्ट्स को तैयार होने के बाद सुगंध के लिए परफ्यूम सॉल्यूशंस के अंदर डिप करना होगा और फिर थोड़ी देर के लिए इसे हवा में सुखाना होगा। अब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है
इसके बाद आप इन प्रोडक्ट की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि इस व्यवसाय को शुरू करने में कितनी लागत आएगी और इस व्यवसाय से हमें कितना लाभ मिलेगा। अगरबत्ती एंड धूप बत्ती फ्रॉम फ्लावर वेस्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उनकी कीमत लगभग 12 लाख से 15 लाख तक होगी। ये लागत आपके प्रोजेक्ट के साइज और प्रकार जैसे कि फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करती है। यदि आप दिन भर में 500 केजी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेट 70 रुपए पर केजी है तो आपके उत्पादन की लागत 35,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद आप लगभग 2,500 से 3,000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में 60,000 से 75,000 आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपरोक्त सभी आंकड़े इस वीडियो में दिखाए गए प्रोजेक्ट के अनुसार है। ये व्यवसाय छोटे उद्योग के रूप में कम लागत और छोटे स्थान में भी शुरू किए जा सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 3 किलोवाट से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। मैन पावर। इस व्यवसाय को 10 से 12 कुशल कारीगरों के साथ शुरू किया जा सकता है। ये एक गृह उद्योग है, ज्यादातर इस उद्योग से महिलाएं जुड़ी हैं। अगर आप भी ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ लाइसेंस का होना आवश्यक है। लाइसेंस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो है GST, उद्यम, साथ ही आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ उठा सकते हैं जैसे PMEGP, स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम्स आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप ये बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। जुड़िए IID के साथ, जहां आपको अपने बिजनेस से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा हमारे एक्सपर्ट एपिसोड के जरिए, और साथ ही आपको बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्लांट मशीनरी की जानकारी भी मिलेगी। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर और हमसे संपर्क कर एक कामयाब उद्यमी बनने का सफर IID के साथ तय करें।